और बहुत ढेर सारा आप लोगों का प्यार मिला है। मेरी माता बहनों और भाई बंधु, हमारे जीवन में अगर खुशियों की सौगात मिली है, हमारे जीवन में अगर नया सवेरा हुआ है, सबको पता है पिछले समय हमारा कैसा हुआ करता था, आज का समय कैसा है। लेकिन आज के समय के साथ भी आपके साथ अन्याय हो रहा है। इसका मतलब ये है हमारे पास शिक्षा और संस्कार की कमी है। आज भी क्राइम हो रहा है, आज भी पाप हो रहा है, आज भी संविधान के खिलाफ दुष्कर्म हो रहे हैं। कहीं बेटियों की आवरू लूटी जा रही है, तो कहीं स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की मटका से पानी पी लेते हैं तो मौत कर दी जाती है पीटते पीटते। सोचो एक बार, विचार करिए, आज के दौर में उस दौर में आज संविधान है तब हमारे साथ सरासर अन्याय हो जाता है, और संविधान नहीं था तो हमारे समाज में हमारे समाज की क्या हालत हुआ करती थी। गले में हंडी और कमर में झाड़ू और सुबह शाम चलने तक का अधिकार नहीं था। दिन में निकल सकते थे ताकि सूर्य सिर पे हो तब निकलने का अधिकार था, ये मनु ग्रंथ में लिखा था। बाबा साहब ने उसको जला दिया, तिरस्कार किया, बहस करके जला दिया, और किसी की हिम्मत नहीं थी क्योंकि उनके पास इतना शिक्षा का भंडार था, उनके पास इतनी शिक्षा की ताकत थी, शिक्षा की बदौलत से बोलते थे। आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि बाबा साहब लंदन में पढ़ने गए थे, है ना? और भगवान बुद्ध सम्राट अशोक के समय लोग, दुनिया के लोग भारत देश में पढ़ने आया करते थे। आपने नालंदा का नाम सुना होगा, आपने तक्षशिला का नाम सुना होगा। नालंदा में बुद्ध की विद्या को सीखने आते थे लोग, बुद्ध के दर्शन को सीखने आते थे। जैसे आज अमेरिका में लोग पढ़ने जाते हैं, इंजीनियर डॉक्टर और वैज्ञानिक व्यक्ति बनता है अमेरिका में, उसी प्रकार से बुद्ध का दर्शन सीखने के लिए भारत में नालंदा में लोग आते थे, दुनिया के लोग। तक्षशिला जो पाकिस्तान में है, वहां पर लोग राजनीति और घुड़सवारी और ये जो जो जितनी युद्ध युद्ध में जितने भी हथियार चला जाते थे उसका प्रशिक्षण दिया जाता था। आज जीता जागता प्रमाण है कि हमारे महापुरुष तक विदेशों पढ़ने गए। यहाँ इससे ये साबित होता है कि यह पढ़ने लिखने का सही प्रावधान नहीं था और वो विदेश में पढ़ने के लिए गए। इतने गरीब थे, लोगों से, महान लोगों से उनको वजीफा मिला और आगे बढ़ के पढ़ाई करी, अपने संघर्ष को जारी किया, अपने संघर्ष को रोका नहीं, तब तक नहीं रोका जब तक उनकी शरीर और सांसें साथ देना बंद नहीं कर गई, तब तक उनका ये कारमा चलता रहा। तो आइए उस महापुरुष के लिए दो शब्द बनते हैं।